उदयन। उदया भद्रा भी इसका नाम था। और बुद्ध टेस्ट के अनुसार इसको पितृहंता बोला जाता है, जैन टेस्ट के अनुसार पितृभक्त बोला जाता है। पाटलिपुत्र कैपिटल ऑफ मगध था बनाया, और कहाँ पर, जो कि गंगा और सोन के संगम पे है पाटलिपुत्र। इलीजन ये जैन और बुद्ध को करता था फॉलो। इसके तीन बेटे थे, अनिरुद्ध, मुंडका, नागदशक। नागदशक 412 BC में इसके ही मिनिस्टर, बनारस के मिनिस्टर जो अमात्य थे, शिशुनाग के द्वारा हत्या कर दी गई। तो शिशुनाग डायनेस्टी का नींव पड़ा 412 से लेकर 344 BC। पहला इसमें बना शिशुनाग, इसने नागदशक की हत्या की थी। तो मगध का सेकंड कैपिटल इसने वैशाली में बना दिया। अवंती कैप्चर, पाटलिपुत्र प्रोटेक्शन यहाँ से मिलता था। अवंती को मर्ज कर दिया इसने मगध एम्पायर में, और वत्स वहाँ वहाँ जनपद जो कि कौशाम्बी में था उसको भी मर्ज कर दिया मगध में। क्षत्रिय पुराण के अनुसार ये क्षत्रिय था, महावंश ही का था बुद्ध टेक्स्ट के अनुसार। फिर आया काल अशोक काका वर्ण, पुराण के अनुसार इसको काका वर्ण भी बोलते हैं। वैशाली से इसने पाटलिपुत्र में कैपिटल शिफ्ट कर दिया। सेकेंड बुद्ध दिस कॉन्स्टेंट, 100वां बुद्ध के मरने के बाद 100 साल बीत चुके हैं, तो उसमें इसने सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल का मीटिंग कराया। इसी में स्थाविरा और महाहंसिका, मतलब हीनयान और महायान में डिवाइड हो गया। 10 संत हैं जो कि 22 साल तक रूल करते रहे।